सीहोर जिले की बुधनी विधानसभा में जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही बुधनी में कांग्रेस और बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में समर्थन मांगने के लिए प्रदेश स्तर के नेता गांव-गांव जाकर ग्रामीणों से मिलकर अपने जनसंपर्क कर रहे हैं। और इसी बीच पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव सोमवार को बुधनी के एक दर्जन से अधिक गांव के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव ने बताया कि बुधनी की जनता बदलाव चाहती है और कांग्रेस के पक्ष में हम जीतेंगे। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार राजकुमार पटेल ने कहा कि हमें अच्छा जन समर्थन मिल रहा है और हमें विजय श्री जरूर मिलेगी। सीहोर से चंद्र सिंह बागवान की रिपोर्ट। सनकोटा, चतरकोटा, कोसनी, सिंहपुर, तमाम आदिवासी क्षेत्रों से हम जाके आए हैं और एक अभूतपूर्व जन समर्थन, एक नया विश्वास, एक नया रिश्ता मतदाता अपना बनाना चाहते हैं और हमें तो अच्छा महसूस होता है। बुधनी विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी भाई राजकुमार पटेल जो एक सशक्त और मजबूत उम्मीदवार के रूप में क्षेत्र में दौरे पर हैं और हम सब साथी समूचे कांग्रेस जन उनकी और बुधनी क्षेत्र के मतदाताओं के बीच में पहुंचकर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए आग्रह कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और मुझे पूर्ण उम्मीद है, ये दुर्भाग्य बुधनी क्षेत्र का कि 20 साल एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में जनता ने, प्रदेश की जनता ने चुना, उनके खुद के क्षेत्र में सड़कें नहीं। अब यहाँ पर निकलते हैं तो देखना पड़ता है कि सड़क में गड्ढे ही गड्ढों में सड़क है। 20 साल के एक व्यक्ति के मुख्यमंत्री के कार्यकाल के बावजूद भी बुधनी क्षेत्र विकास की राह देख रहा है, सड़क बनने की राह देख रहा है, ये इस बुधनी क्षेत्र का दुर्भाग्य है। मुझे पूर्ण भरोसा है कि मतदाताओं का अभूतपूर्व समर्थन कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार कांग्रेस को मिल रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह 2018 में यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने मुझे और मेरे साथियों को मदद की थी, इस बार राजकुमार पटेल जी को मदद करेंगे और हम चुनाव जीतेंगे। ये राजकुमार पटेल की वजह बढ़िया माहौल है, इस बार जीतेंगे राजकुमार पटेल और अच्छे वोट से जीतेंगे। देखो बुजुर्ग है और वो काफी दिन से सांसद था, आज तक आया ही नहीं, सांसद बना जब से, मतलब राजकुमार पटेल का बढ़िया व्यवहार है यहाँ पर एरिया में।